बच्चन जो है हिंदी मीडियम के बच्चे आसानी से झा एंड श्रीमाली एंड रामसर शर्मा से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एएल बासम, रोमिला थापर या फिर मजुमदार राय चौधरी, इनमें से कोई भी आप बुक लेकर के उसको कवर कर सकते हैं। जितना भी हमने क्लास के सेशन में डिस्कस किया है, जो भी पॉइंट्स हमने उसको पीपीटी में आपको इलेबरेट किए हैं, यदि वो पॉइंट्स भी आपको याद रहेगा और जो मैंने इलेबरेट किया था वो चीजें आपके माइंड में होंगी, तो आसानी से आपको आंसर फ्रेम करने में दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी चाहे वो यूपीएससी का कैसा भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है, यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर नियोजन क्या था, एक्सप्लेन कीजिए। वो दिन लग गए जब इस तरह के क्वेश्चन आते थे। 1994-96 तक लगभग इस तरह के क्वेश्चन आए। लगभग 2000 के बाद से क्वेश्चन का ट्रेंड ही बदल गया है। आपका आंसर तभी फ्रेम हो पाएगा जब आप कट कॉपी पेस्ट करने की कंडीशन में होंगे। वहां पर क्वेश्चन हमेशा जो है घूम करके ही आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो चीजें जो है कंपेरेटिव हो सकती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर नियोजन, सिंपल सा यदि हम क्वेश्चन लेना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर नियोजन की छाप हमें प्लेस्टोसीन एज में किसी भी तरह से अंतर संबद्ध नहीं करती है, उसके साथ किसी भी तरह से इंटरलिंक नहीं करती है, एक्सप्लेन कीजिए। अब यहाँ पर टाउन प्लानिंग, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी सोचना पड़ेगा, उसके पहले क्या थी, कुछ थी या नहीं थी वो भी सोचना पड़ेगा, और उसके बेस पर आप अल्टीमेट तौर पर जो है टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन को सुपर दिखाते हुए और उसको वहां पर कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन राइज किया जाता है, वहां पर क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, उन सभी चीजों को सबसे पहले क्वेश्चन में हाईलाइट करना जरूरी होता है। अब इसी क्वेश्चन में जैसे हमने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग उसके पूर्ववर्ती सभ्यताओं से इंटरलिंक थी या नहीं थी, एक्सप्लेन कीजिए। एक तो पूर्ववर्ती सभ्यता कह दिया, उसके पहले की सभ्यता या उसके पहले की सिविलाइजेशन के तौर पर हमने किसको कहा था, प्लेस्टोसीन एज को कहा था। पहली बार जब हमने क्वेश्चन कहा था तो वहां पर हमने पाषाण काल के साथ कहा था। तो पहले हमें यहाँ पर एक तो पाषाण काल हो गया, उसको भी लिंक करना है, नगर नियोजन है उसको भी लिंक करना है, और नगर नियोजन किसके साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, इसको भी। तो यहाँ पर तीन पॉइंट जो है नटसेल में है, उन तीनों पॉइंट्स को यदि हम एक साथ को रिलेट करके करेंगे, आंसर 110% जो है पूरा अच्छी तरह से फ्रेम होगा। नॉर्मली हिस्ट्री के क्वेश्चन में जो एवरेज मार्किंग देखी जाती है यूपीएससी में, यदि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मार्किंग 11, 12, 13 नंबर से ज्यादा नहीं होते हैं। यदि आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के जिस तरह का ट्रेंड है पेज भरो अभियान पर यदि आपने लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें नंबर आपको 6 या 7 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 6-7 में मिल जाए तो ये एहसान मानिए कि उस इन्विजिलेटर में आपको आपको दे दिया, जो है बहुत बड़ा एहसान कर दिया, 6-7 नंबर यूपीएससी में आपको उस क्वेश्चन पर दे दिया पेज भरो अभियान के कारण। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि तीनों पॉइंट को यदि इलेबरेट करके आप लिखेंगे तो आपकी मार्किंग जो है किसी भी हालत में जो है 13-14-15 नंबर से नीचे नहीं जाएगी। और हिस्ट्री के सेक्शन में 20 में से यदि 13 और 14 नंबर आ रहे हैं, मतलब 65-70% के लगभग नंबर आ रहा है, ये बहुत अच्छा है जो है कि हिस्ट्री में आप इतना स्कोर कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अभी से हैबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर की क्लास में हम वैसे भी इतना ज्यादा नहीं इतना टाइम दे पा रहे थे जो है इस समय जो है। अच्छा है कि क्या कहते हैं, इस लॉकडाउन के दौर में हम आप लोगों के साथ रूबरू होकर के ये सारी चीजें डिस्कस कर ले रहे हैं कि इस तरह से करना है, और उसके साथ में यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे अभी तो बहुत अच्छा होगा। आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते बस यह है कि इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा उपयोग करने का आपके पास मनसा होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इसका सबसे ज्यादा सदुपयोग करना है। सब लोग घर में ही बैठे हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप एटलीस्ट जो है डेली, हमारे कहने से पहले ही वैसे आप लोगों को चाहिए था कि किसी ना किसी का या तो व्हाट्सएप या मेल तो आ जानी चाहिए थी अब तक कि सर इसके आंसर को फ्रेम कैसे करूं, क्योंकि मैं लगभग आज 6th, 7th, 8th डे होगा मेरा सेशन लेते हुए, लेकिन सिंगल वन किसी भी स्टूडेंट ने इस तरह से हमसे शेयर नहीं किया। जो ये चीजें जो है आप
यूपीएससी की प्रिपरेशन में है तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप इतना न रहें, इतना तो आपको एक्टिव होना ही चाहिए पूरे दिन में। यदि आपको मेरा सेशन जो है, मेरे मतलब और भी जो एकेडमी की तरफ से सेशन चल रहे हैं, मुश्किल से 12-1 बजे तक आप लोग फ्री हो जाते हैं। 1 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक यदि उसी टॉपिक को उठा करके यदि आपने पढ़ा होता तो क्वेश्चन जरूर निकलते। दूसरी चीज यह है कि हमने जो टॉपिक कराया आप सिर्फ उतना ही पढ़ करके शांत होकर बैठ गए, स्लाइड सुन ली 2-4 बार जो है, यदि वीडियो वगैरह देख लिया उसको पढ़ लिया, ये सफिशियंट नहीं कहा जा सकता। आपका प्रयास होना चाहिए कि हमारे साथ साथ आपने टेक्स्ट बुक पढ़ ली होती तो बहुत अच्छा होता। जिस दिन हमने टाउन प्लानिंग कराई थी उसी के साथ यदि आप बुक भी साथ में पढ़ लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो सारी चीजें उस समय आपको जो हमने वर्ड्स बोले हुए हैं, जो चीजें, चूंकि सारी चीजें स्लाइड में नहीं होती हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं कहीं की और पे जोड़ करके वहां पर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, हमने मोहन जोदाड़ो की जो डेड बॉडी 21 डेड बॉडी का एग्जाम्पल वगैरह दिया था जो है, वो हमने वहां पर लिंक किया था। कहाँ लिंक किया था वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कहाँ पर कैसे लिंक हो जाता है वो चीजें हम तो अपने लेवल पर बता देते हैं कि यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं, ये भी लिंक कर सकते हैं। आपने सेम डे यदि वही चीज बुक के साथ भी पढ़ लिया होता तो वो पॉइंट्स भी आपको याद आ जाता कि हाँ, इसमें सर ने ये भी कहा था कि ये यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है। हमने कहा ना कि यूपीएससी में कट कॉपी पेस्ट, इसकी हैबिट जो है, इसकी टेक्निक आपको अपने अंदर सबसे ज्यादा डेवलप करनी है। यदि ये आप डेवलप कर लेंगे तो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। चलो खैर, ये सारी चीजें हैं। अब आज का हमारे एजेंडे में जो टॉपिक है उसमें हमने 4 टॉपिक कल बताए थे। आज का हमारा एजेंडा में जो शामिल किया था, सबसे पहला सेक्शन जो हमने कहा था कि सोशल हम डिस्कस करेंगे, रिलीजियस डिस्कस करेंगे, मतलब सामाजिक, धार्मिक, और उसके बाद इकोनॉमिक, और 4th पॉइंट हमने कहा था डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे। ये 4 पॉइंट्स हमने जो है आज के एजेंडे में अपने रखे हुए हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे लास्ट टॉपिक के साथ ये कह सकते हैं कि जो कंक्लूड हो जाएगा इन्हीं 3-4 टॉपिक के साथ जो। तो ये हमारा इसका सेशन का इसका लास्ट सेक्शन भी है जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इसमें हम सबसे पहले सामाजिक स्थिति के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सोशल सिस्टम कैसा था। आपको हमने, जब से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की है, हर बार एक चीज कहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अधिकांशतः जो भी हमें एविडेंस मिले हैं वो मदर गॉडेस के मिलते हैं, मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो ज्यादा मिलती हैं। अधिकांशतः यदि मूर्तियां जो है मातृ देवी की मिली हैं तो हम इस बेस पर यह अनुमान लगा लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोशल सिस्टम था वो मैट्रियार्कल सिस्टम था। मैट्रियार्कल सिस्टम कहने का मतलब मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब समाज में माता को प्राइमरी दर्जा था, पिता को सेकेंडरी दर्जा था। माता का जो स्थान था वो उच्च था, पिता का स्थान द्वितीयक था। इसी को जो है मैट्रियार्कल सोसाइटी हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। समाज में हमने एक चीज और कही थी कि जो भी समाज था जो है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी जगह पर सभी साइट में हमने कहा था कि समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता था। एक हमें ईस्टर्न सिटाडल मिलता है, दूसरा वेस्टर्न मिलता है। एक हमें जो है पूर्वी टीला मिलता था, दूसरा पश्चिमी टीला मिलता था। जहां पर हम इसको पश्चिमी टीले को जो है अपर क्लास के लिए कहते हैं कि अपर क्लास वहां पर रहता था, जिसकी हमने कहा था कि फोर्टिफाई किया गया था, जिसकी किलेबंदी की गई थी। अपर क्लास को हमने रिलेट किया था कि यह अपर क्लास या उच्च वर्ग या वणिक वर्ग रहा होगा, जो प्रशासन में विशेष भूमिका निभाता रहा होगा, जिसकी सुरक्षा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष व्यवस्था की गई होगी। इसमें पुरोहित वगैरह रहते रहे होंगे, बिजनेस क्लास रहता रहा होगा, ट्रेड्समैन वगैरह रहते रहे होंगे, जिसके आधार पर ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे सिस्टम को मानते हैं कि संभवतः
सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी व्यवस्था इन्हीं वणिक वर्गों के हाथ में थी, वही लोग इसको पूरी तरह से देखा करते। जबकि दूसरा जो माउंट था, वेस्टर्न माउंट जिसको हमने कहा, इसमें हमने कहा था कि इसमें कॉमन मैन, जो कॉमन पीपल होते थे, आम आदमी जो रहते थे, वो संभवतः रहते रहे होंगे, और जिनको हम एक तौर पर यह कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास के तौर पर भी जो इस समाज के लोग थे, वो संभवतः लोअर क्लास के लोग ईस्टर्न माउंट पर रहते रहे होंगे, जिनके लिए कुछ जगहों पर तो व्यवस्था की गई है, लेकिन कई जगहों पर या अधिकांश साइट ऐसी मिलती है कि पूर्वी टीले की कोई सुरक्षा की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नहीं दिखती है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं, ज्यादातर उसका सेंटर बिजनेस क्लास रहा है, क्योंकि इनका प्रमुख व्यवसाय ही जो है वो बिजनेस का दिखता है। ये लोग जो है वणिक वर्ग थे, व्यापार में विशेष इंटरेस्ट रखते थे, यहां तक कि इनके व्यापारिक संबंध उस समय की तत्कालीन जो अदर सोसाइटी या सिविलाइजेशंस थी, चाहे हम वो मेसोपोटामिया की बात करें या अदर जो भी हमने इजिप्टियन और चाइनीज और जो भी कह लें कि सिविलाइजेशन की बात की थी, शुमेरियन वगैरह की, तो उनके साथ भी संभवतः इस सभ्यता के जो है संबंध रहे थे। और इतने डेवलप रिलेशन तभी हो सकते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस क्लास का इंटरफ्रेंस ज्यादा हो। यहां तक कि इनकी जो सोशल कंडीशन में हमें टेक्नोलॉजी दिखती है, वो वैदिक एज से काफी आगे दिखती है। जो है वैदिक काल में जो तकनीकी यूज की जाती थी, उससे ज्यादा बेहतर तकनीक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाती है। घरेलू चीजों में ये देखें, इनके सामाजिक स्तर में जो घरों का रहन सहन स्तर देखें, तो उसमें भी जो टूल्स के तौर पर ये लोग कॉम्ब, चाकू वगैरह हो गया, मछली को पकड़ने वाले कांटे वगैरह की बात करें, ये सारी चीजें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। ज्यादातर जो इनके बर्तन हैं, या तो मेटल में ब्रॉन्ज वगैरह की बात कर सकते हैं, कॉपर वगैरह की बात कर सकते हैं, कॉपर वगैरह के मिलते हैं, या फिर हमने कहा था मिट्टी के बर्तन मृत भांड के तौर पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बालू, चूना, अभ्रक, इन सब चीजों का यूज किया जाता था। अधिकांश बर्तन में से कई ऐसे मिलते हैं जो पकी हुई मिट्टी के साथ साथ, और वो भी ऐसे इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें व्हील का भी यूज किया गया है। मोहनजोदारो में और हड़प्पा में जो बर्तन हमें मिलते हैं, उसमें एक खासियत और भी दिखती है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, वो ये है कि मोहनजोदारो में जो हमें बर्तन मिले, उसमें किसी भी तरह का लेख वगैरह नहीं है, जबकि हड़प्पा में जो हमें मिलते हैं, वहां पर लेख युक्त बर्तन भी मिलते हैं। बर्तनों के ऊपर कुछ सिंबॉलिक तौर पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है वो हम हर बार यही कहते हैं कि इनकी लिपि जो है हमें पता नहीं है, पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या लिखा उसमें। इसके साथ साथ जो है इनके भोजन वगैरह की बात करें, तो दोनों तरह के ये लोग भोजन करते थे। जो है कुछ लोग जो है वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह से कह सकते हैं। वेजिटेरियन के तौर पर इनको कह सकते हैं कि वीट, राइस, बार्ली, फ्रूट, मिल्क, कर्ड, ये सारी चीजों से ये लोग अवगत थे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो ये लोग उपयोग करते थे, वो गेहूं और जौ का यूज किया करते थे। मांसाहार में भी जो है ये नॉनवेज में कई साइट्स ऐसी देखने को मिलती हैं जहां पर अधजली हड्डियां मिली हुई हैं, जो पूरी तरह से जो है जली हुई नहीं है, उनसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि संभवतः ये लोग जो है नॉन वेजिटेरियन भी थे, मांस वगैरह भी ये लोग खाते रहे होंगे। इसी के साथ साथ जो है अभी हमने कहा कि मछली को पकड़ने के लिए कांटे भी देखने को मिलते हैं, तो उससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसके मतलब ये लोग मछली भी खाया करते।
अक्सर जो है हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी दोनों जगह पर अधिकांश घरों के अंदर छोटे छोटे जो है तालाब जैसी संरचना भी पाई गई है, जिससे यह हम अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये मत्स्य पालन जैसा जो है भी कोई काम करते रहे होंगे, मछली पालते होंगे और बाद में उन्हीं को जो है ये लोग खाने का भी काम करते होंगे। इनके यदि सोशल सिस्टम में हम इनके कपड़ों के ऊपर भी बात करें तो दो तरह के कपड़े खासतौर पर इनके दिखते हैं, या तो वो सूती कपड़े पहनते थे या फिर वो ऊनी कपड़े पहनते थे। हमने कहा था कि कुछ ऐसी भी ब्रिक्स मिली हैं जिसके ऊपर कपड़े का इम्प्रेशन बना हुआ है, उसकी छाप आई हुई है। उस इम्प्रेशन से हम अनुमान लगाते हैं कि संभवतः इनके अंदर जो है बुनाई वगैरह का जो है प्रथा डेवलप हो चुकी थी, ये बुनना जानते थे। हमने लेकिन बुनाई की बात की है, किसी भी स्तर पर हमने ये नहीं कहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिलाई करना जानते थे। इसलिए ज्यादातर ये लोग जो है कपड़े को लपेट करके जो है यूज किया करते थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कपड़ों के बारे में कह सकते हैं। हाँ, सिले हुए कपड़े बहुत ही सीमित स्तर में उच्च वर्ग या वड़िक वर्ग या ट्रेड्समैन के साथ हम कह सकते हैं कि यूज किया जाता रहा होगा, लेकिन निम्न वर्ग या कॉमन मैन जो था वो नॉर्मल तौर पर इसी तरह के कपड़े का प्रयोग किया करता था। ऊपर के जो वस्त्र होते थे वो ज्यादातर ये लोग लपेटते ही थे। जो नीचे वस्त्र हुआ करते थे, अधो वस्त्र जिसको कहा जाता है, उसमें कुछ एक हद तक जो है धोती वगैरह पहनने का, और कुछ जगहों पर यह भी कहने को मिलता है कि संभवतः ये लोग जो है कुछ सीमित सिलाई के माध्यम से, जो कहते हैं कि टांके वगैरह से लगा करके जो है उस तरह से ये लोग उसका प्रयोग किया करते थे। आभूषणों की बात हम पिछली वही क्लास में कर चुके थे, ऑर्नामेंट्स की, जिसमें हमने कहा था कि ऑर्नामेंट्स के प्रति दोनों लोगों का विशेष रुचि होती थी। दोनों लोगों का कहने का मतलब यह है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल, हाँ यह है कि उनके यूज करने के अलग अलग हो सकते थे। हार वगैरह का हो गया, हमने कहा था बाजू बंद वगैरह हो गया, इस तरह से ये लोग जो है यूज किया करते थे। यहां तक कि अंगूठी के छल्ले नाक में पहनने के लिए, नथुने जो भी होते थे, कर्णफूल कानों में पहनने के लिए, ये सारे जो है उपयोग हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाते हैं। चांदी, सोना, ये सारी चीजें इनके उपयोग में किए जाते थे। इसके साथ साथ इनको मेकअप करने के लिए हमने कहा था कि जैसे मेकअप बॉक्स वगैरह होता था वो यूज करते थे ये लोग। हाथी के दांत के जो है कंघी वगैरह का भी उपयोग मिल जाता है, और मेकअप बॉक्स का जो एविडेंस हमने बताया था कि चनूदड़ों से मिला है, उसमें तो सारी चीजें मिल ही जाती हैं। यहां तक कि दर्पण का भी एविडेंस देखने को मिलता है, मिरर। हाँ, ये जरूर है कि मिरर वर्तमान में जो आप लेड का देखते हैं, सीसा का देखते हैं, इसकी स्पष्ट तौर पर एविडेंस न मिल करके ज्यादातर लेड का, वैसे ये लोग जानकारी थी इनको, लेकिन ज्यादातर मिरर जो देखने को मिले हैं वो कॉपर के मिले हैं। उस पर विशेष तरह की पॉलिश की गई है और उसको एज ए मिरर के तौर पर सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः उपयोग करते थे। एंटरटेनमेंट की बात करें तो खेलने में ये लोग जो है डाइस, पासा खेलना, चेस खेलना, शिकार करना, डांस करना, मुर्गों की फाइट और बैलों की फाइट, इन सब चीजों में विशेष इंटरेस्ट लेते थे। जो डाइस है, डाइस की एविडेंस हमें दो जगह से मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता की ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही हैं। हमने जो भी आपको बताए हुए हैं कहां कहां पर क्या एविडेंस मिले हैं, या टेबल में जो लास्ट में हमने दिखाया था, उतना आप यदि ध्यान दे लेंगे, उसके बाद यदि आपको ऑप्शन में कहीं पर मिलता है और आपको नहीं पता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि टिक करें तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में ही किसी को टिक करें, इसके अलावा अदर पर आप जोखिम ना लें। उनके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, अदर्स के जो है सही होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। व्हील के बारे में ये लोग परिचित ही थे, तो परिचित थे तो जाहिर सी बात है यातायात के साधनों का इनका यूज किया करते थे, और यातायात के साधनों में ये खासतौर पर बैलगाड़ी वगैरह का प्रयोग करते थे।
बैलगाड़ी के साक्ष्य भी हमने बताया था, मोहनजोदारो से भी मिलता है, चनूदड़ो से भी मिलता है, लोथल से भी मिलता है, कालीबंगा से भी मिल जाता है और बनावली से भी मिलता है। ये तीनों जगह से हमें बैलगाड़ी के एविडेंस मिलते हैं। मोहनजोदारो से दो पहिए वाली जो है बैलगाड़ी का एविडेंस मिला है, जिसमें कांसे के दो पहिए दिखाए गए हैं और उसके बेस पर जो है पीछे मतलब दो एक धुरी के साथ में दो पहिए हैं और आगे जो है उसको खींचते हुए दिखाया गया। चनहुदड़ो एक साइट है जहां पर चार पहिए की जो है हमें बैलगाड़ी देखने को मिल जाती है। अदर जितने भी हैं उन साइट्स में हम ये देखते हैं कि ज्यादातर उन साइट्स में हुआ क्या कि मिट्टी की जो है खिलौने के तौर पर उसको दिखाया गया, उसके बेस पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि संभवतः इनको जो है बैलगाड़ी के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट आते हैं जो इनके सोशल सिस्टम की बात में हम कह सकते हैं, मेथड ऑफ क्रीमेशन, अंतिम संस्कार की जो विधियां होती। अच्छा एक चीज और भी, हेल्थ को लेकर के भी हमने बताया था एविडेंस मिले हैं, इनको सर्जरी करने की भी नॉलेज थी जो है, शल्य चिकित्सा वगैरह का भी इनको नॉलेज था, मेडिसिन के तौर पर भी जो है ये लोग मेडिसिन यूज करते थे, लेकिन मेडिसिन कौन सी होती थी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बारहसिंगा के बाद वो सींग को घिस करके उसको मेडिसिन के तौर पर यूज करना, या फिर शिलाजीत को मेडिसिन के तौर पर यूज करना, या हिरण के सींग को उपयोग करना, इस तरह की जो नेचर के थ्रू इनको मिलता था उनसे धीरे धीरे इन्होंने सीख लिया था और उसको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में ये लोग यूज किया करते थे। सर्जरी के लिए हमने बताया था कि सर्जरी की पद्धति से ये लोग वाकिफ हो चुके थे जो, और इस तरह की एविडेंस लोथल और कालीबंगा ये दो जगहों पर जो है स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। क्रीमेशन की बात करें तो क्रीमेशन हमने कहा कि तीन तरह से क्रीमेशन इनका होता था, या ये तीन तरह की विधियां उपयोग किया करते थे, जिसमें एक हम कहते हैं फ्यूनेरल दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या, उनको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था, और कुछ जगहों पर अग्नि को समर्पित करने के बाद जो अस्थियां और ऐश होती थी, जो राख होती थी, उसको एक बर्तन में रख कर उसको दफनाने की भी जो है विधा जो है इनमें देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ जो है दूसरा बरियल हम कह सकते हैं, पूर्ण सवाधान भी इसको कहा जा सकता है, पूरी तरह से शवदाह जो है पूरी तरह से उसको दफना दिया जाता था। नेक्स्ट है पार्शियल बरियल, जिसमें आंशिक तौर पर उसको दफनाया जाता था। आंशिक तौर पर दफनाने का क्या है, डेड बॉडी को पहले ओपन ही तौर पर छोड़ दिया जाता था, खुले में जब वो छोड़ दिया जाता था उसके बाद उसको जानवरों द्वारा ये कह सकते हैं कि खा लेने के बाद जो अस्थियां वगैरह बचती थी उसको बाद में दफना दिया जाता था। जिस तरह की प्रथा आज भी आप जानते हैं किसमें है, पर्सियंस में। पर्सियंस में क्या होता है, पारसी जो धर्म के लोग हैं वो डेड बॉडी को काफी हाइट पर ऊपर जो है वहां पर रखते हैं, वहां पर जो है कुछ समय बाद जो है अस्थियां जो बचती हैं उनको जो है दफना दिया जाता था, इसको जो है पार्शियल बरियल के तौर पर। हमने अभी जैसे कहा था कि फ्यूनरल के बाद जो अस्थियां थी वो दफनाने के एविडेंस मिलते हैं, जिसको हमने पहले भी बताया था सुरकोतड़ा में। लोथल के लिए भी हमने कुछ चीजें स्पेशल तौर पर बताई थी कि यहाँ पर कपल बरियल मिलता है, एक कपल को जो है दफनाया गया है, मेल और फीमेल को एक साथ दफनाने का एविडेंस मिला था, और जिसको हमने लिंक्ड अप किससे किया था, संभवतः इनमें सती प्रथा जैसा कोई सिस्टम रहा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ऐसी भी हमें कब्र मिलती है जिसको कच्ची ईंटों से ढका गया है, मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाधि के तौर पर भी इन्होंने बनाने की प्रथा इनमें रही होगी या किसी तरह से उसको इन्होंने अडॉप्ट किया होगा। हड़प्पा में हमें ऐसा मिलता है कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ उसकी जो यूटिलिटीज के जो है, जो नॉर्मल उनके उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं हैं, जो घरेलू वस्तुएं हैं, वो उसके साथ दफनाई गई हैं, जिसको हमने लिंक्ड अप किया था कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास था, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और उन्हें ये लगता था कि यह व्यक्ति अगले जन्म में जब आएगा तो उसे इन वस्तुओं की जरूरत होगी और वो इसलिए उसके साथ अपना दी जाती थी। रोपड़ में एक कब्र मिलती है जिसके इसमें जो उसके दैनिक यूज की चीजों के साथ साथ एक डॉग को भी दफनाया गया है। यहां से हम ये दो चीजें अनुमान लगाते हैं, एक तो पुनर्जन्म तो है ही है
और दूसरा एक हम ये अनुमान और लगा सकते हैं कि संभवतः डॉग इनके पशुपालन में आता रहा होगा, ये उसको पालते रहे होंगे, इनका पेट एनिमल के तौर पर भी डॉग रहा होगा, डॉग से ये लोग अवेयर थे। ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट साइट्स में देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से यदि हम कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा में जो हमें कब्र मिली है उनमें दो तीन चीजें वहां पर भी मिलती है। एक डेड बॉडी ऐसी मिलती है जो पेट के बल लेटी हुई दिखाई गई, उल्टा उसको जो है दफनाया गया। इसी तरह से एक डेड बॉडी ऐसी है जिसमें देख करके ये लगता है कि उसकी सर्जरी वगैरह की गई है, शल्य क्रिया जो है सर्जरी का एविडेंस देखने को मिल जाता है, जहां से ही हमने अनुमान लगाया था कि संभवतः इनको सर्जरी के बारे में जानकारी थी। एक ऐसा भी एविडेंस दिखता है कि जले हुए शव को दफनाया गया है, मतलब इन्होंने पहले अंतिम संस्कार किया गया, मतलब उसको जलाया गया, जलाने के बाद भी दफनाने का कोई ऐसा सिस्टम जो है कालीबंगा में हमें दिख जाता है। नॉर्मली वही प्रथा जो आज भी आप देखने को मिल जाती है कि इस सिविलाइजेशन के लोग जो डेड बॉडी को दफनाते थे, नॉर्मल जो दफनाने का जो डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण का है। उत्तर की ओर सिर रखा जाता था जबकि दक्षिण की ओर पैर रखे जाते थे। सिर्फ कालीबंगा में एक कब्र हमें ऐसी देखने को मिलती है जो इसके ठीक विपरीत स्थिति में है। दक्षिण की ओर उसका सर रखा गया है और उत्तर की ओर उसके पैरों को रखा गया है। ये चीजें इनके सामाजिक आस्था और सोशल सिस्टम में था। नेक्स्ट आते हैं हम रिलीजियस सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। हमने पहले ही कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हमने कहा था कि वर्तमान जो मंदिर की प्रथा थी उस तरह के हमें यहां पर दिखते ही नहीं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में जो भी मंदिर के एविडेंस हमें मिले हैं वो उनकी छतें जो है वो सपाट हुआ करती थी। हाँ, व्हीलर एक थिंकर है, व्हीलर एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें एक कोई मंदिर की भी प्रथा थी जो है, मंदिर ऐसा रहा होगा। और उसको किससे उन्होंने लिंक किया वो हमने पिछले भी बार बताया हुआ था कि उसको लिंक्ड अप उन्होंने असेंबली हॉल या सभागार जो हमें देखने को मिल जाता है मोहनजोदारो में, उसके साथ को रिलेट किया है कि जो इतना बड़ा असेंबली हॉल है यहाँ पर अवश्य जो है कोई धार्मिक क्रियाकर्म में इसको यूज किया जाता रहा होगा, उसी को उन्होंने एक टेंपल के तौर पर माना है। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिरों के कोई एविडेंस प्रॉपर नहीं मिलते। दूसरी चीज, इनके जो एविडेंस मिलते हैं उनके बेस पर हम कुछ चीजें जो है अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले ये कि ज्यादातर जगहों पर हमने कहा था लिंग तथा योनि की पूजा के भी एविडेंस मिलते हैं, जिसको आज के शिव के साथ जो है हमको रिलेट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में फैलिज्म वर्शिप का एविडेंस मिल जाता है, लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है प्लांट्स की भी पूजा किया करते थे, पीपल वगैरह को खास तौर पर जो है उसके भी पूजा करने के जो है एविडेंस मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? वही जो है जहां पर हमने पशुपति योगी को ध्यान की मुद्रा में बताया था कि इधर उधर जो है बारह सिंगा और बुल खड़ा हुआ है, दूसरी साइड में हाथी और टाइगर को दिखाया गया है, नीचे जो है हिरन का है, उसी के साइड में जो है क्या कहते हैं पीपल के पत्तों वगैरह के भी इंप्रेशन देखने को मिलते हैं। संभवतः इसके मतलब ये लोग जो है उसकी पूजा करते रहे। योगी और प्रीस्ट पुरोहित उनकी तो पूजा के प्रमाण मिलते ही हैं, जो है इस तरह के हमें मिले हुए हैं, एविडेंस ही मिले हैं जिसके बेस पर हम कह सकते थे पुरोहित और योगी की भी पूजा की जाती रही होगी। और लास्ट में हम कह सकते हैं मदर गॉडेस की पूजा, मातृदेवी की पूजा। मातृदेवी की पूजा हमने मोहनजोदारो में बताया था कि एक ऐसी मूर्ति मिलती है जिसमें गर्भ से उगता हुआ पौधा का तौर पर हमने कहा था कि इसको दिखता है, जिसको हमने प्रॉस्पर्टी और फर्टिलिटी दो चीजों के साथ उसको लिंकअप किया था कि यह इनकी प्रजननता का प्रतीक था और संपन्नता का एक सिंबल हुआ करता था। कि इसलिए हम ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस मतलब मातृदेवी की पूजा का भी विशेष प्रभाव। इसके अलावा भी ये नेचर के साथ भी जो है काफी लिंकअप से थे, जल पूजा, अग्नि पूजा, नाग की पूजा, भूत प्रेत
इन सब चीजों में भी ये आस्था रखते थे और उसके लिए भी इनके धार्मिक कर्मकांडों में स्पष्ट तौर पर हमें दिख जाता है। ये था इनका रिलीजियस सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में की बात करें, आर्थिक स्थिति, तो उसमें हम सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, चूंकि इनके भोजन के साथ हमने डिस्कस किया ही था कि इन्हें गेहूं, जौ, चावल इस तरह के उपयोग के एविडेंस मिलते हैं, जिसमें हमने कहा था कि सबसे मेन तौर पर ये गेहूं और जौ को कंज्यूम किया करते थे, तो मेन क्रॉप इनकी वीट एंड बार्ली। राइस कल्टीवेशन के हमें सिर्फ दो जगह पर एविडेंस मिलते हैं, लोथल और रंगपुर, वहां से हमें स्पष्ट तौर पर राइस के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन धान की भूसी के एविडेंस हमें कालीबंगा में भी देखने को मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ज्यादातर इनकी जो सोइंग थी, मतलब फसलों की बुवाई की जो प्रथा थी, ये प्रकृति पर आधारित थी, नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे। ये बात दूसरी है कि कालीबंगा में हमें प्लोइंग मतलब जुताई के एविडेंस मिल जाते हैं, लेकिन उस जुताई के एविडेंस से हम एक आध दो साइड पर तो मान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बाढ़ के क्षेत्र में था, इसलिए ये लोग नवंबर के मंथ में नॉर्मल तौर पर ऐसे ही दाने छिड़क देते थे, अप्रैल में जो भी प्रकृति के माध्यम से वो उग गए, अप्रैल में जाकर के उसकी कटाई कर लेते थे, उसी को बाद में ये कंज्यूम किया करते थे। कुछ सीमित स्तर पर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निक से अवेयर थे, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वेल डेवलप्ड भी नहीं मिलता। कालीबंगा में हमने यहां तक भी अनुमान लगाया कि संभवतः वो लोग मिक्स क्रॉप से अवेयर थे। मिक्स क्रॉप का अवेयर किस तरह से हमने माना था कि हमने कहा था कि 90 सेंटीमीटर पर दूसरी नालियां होती थी, 30 सेंटीमीटर पर दूसरी नालियां होती थी, संभवतः ये 90 सेंटीमीटर पर अलग तरह की फसल बोते होंगे, 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर दूसरी तरह की फसल बोई जाती रही होगी। ये हमें एग्रीकल्चर में उस समय दिखता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि पद्धति है, जुताई के सीमित उपयोग के साथ साथ हमने कहा नेचर के ऊपर निर्भर करता था, और नेचर पर डिपेंडेंसी के दो रीजन थे, एक तो ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नदियों के किनारे मिलती है, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। नदियों के किनारे स्थित होने के कारणवश इनको आसानी से फसल के उत्पादन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हर साल नदियां जो है अपना गाद जमा करती थी, उसको जमा किया, उसी के ऊपर इन्होंने फसल को बो दिया, जो है बीज छिड़क दिए गए और नवंबर में रखा, अप्रैल के लगभग जो है उसकी कटाई कर ली गई, क्योंकि बाढ़ के जैसे ही जाने के बाद आसानी से ये उसकी जो है बाढ़ जैसे जाती थी, उसके बाद ये बुवाई कर सकते थे और बरसात के आने के पहले उसकी कटाई कर सकते थे। हार्वेस्टिंग का काम जो है उनका अप्रैल के महीने तक जो है लगभग कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इनकी इकोनॉमिक सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। पशुपालन के लिए ये लोग बुल मतलब बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, डॉग, बिल्ली, डंकी, कैमल, एलिफेंट, टाइगर, इन सब से ये अवेयर थे। इन सब के बारे में इनके इस सभ्यता में हमें देखने को मिल जाता है। टाइगर के बारे में भी ये लोग जानते थे, लेकिन एक चीज रिमार्केबल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लॉयन के बारे में अवेयर नहीं थे, शेर के बारे में परिचित नहीं थे, घोड़े के बारे में परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में अवगत कराया तो किसने? आर्यंस ने। आर्य कौन? हम कह सकते हैं वर्तमान हमारे आपकी जो पीढ़ी चल रही है ये आर्यों की ही पीढ़ी मानी जाती है। हम आप जो है मूल तौर पर जो है भारत के निवासी, यदि इतिहासकारों के नजरिए से देखें तो नहीं कह सकते, ज्यादातर लोग हमें आपको मध्य एशिया का मानते हैं। मूल जो यहाँ के प्रजाति के लोग थे वो कौन थे? द्रविण वगैरह थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी उसी के साथ लिंक अप किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो है घोड़ों से परिचित नहीं थे, और
इसके साथ जो अदर जो जानवर आप देख रहे हैं, चाहे वो गाय थे, बैल थे, बफेलो, गोट, पिग, डॉग, सीप, ये सारी चीजें जो है, सारे जानवरों को ये लोग जो है पशुपालन में उपयोग करते थे। हमने पहले ही दिखाया जो है कि गोट और सीप, इन दोनों का उपयोग ये लोग जो है ऊन के लिए किया करते थे, और हमने कहा था कि इनमें बुनाई करने की टेक्निक डेवलप थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनसे ये ऊन प्राप्त करते थे और उसी को बुनाई करते थे, बुनाई करने के बाद उसको कपड़े के तौर पर ये लोग उपयोग करते रहे। कालीबंगा से हमें कैमल के एविडेंस मिलते हैं, हड्डियों के। हाँ, एक साइट सिर्फ ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से हमें घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं, इसके अलावा किसी भी साइट से हमें घोड़े के एविडेंस नहीं मिलते। इसीलिए हमने कहा कि इनको घोड़े के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये घोड़े से ये अवेयर होते तो हर साइड से कुछ ना कुछ उस तरह के एविडेंस देखने को मिल जाते। हाथी के कपाल का एविडेंस भी हमें रोजदी से देखने को मिल जाता है, वहां से हमें हाथी के कपाल के एविडेंस मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बाद दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करें तो वो है इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग में जब हमने स्कल्पचर किया था कि ब्रॉन्ज की भी ये मूर्तियां बनाते थे, और ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी वो किस तरह से उसको गला करके उसका एक फ्रेम बनाते थे। पहले मोम का बनाया जाता था, उस पर हमने कहा था कि पहले मिट्टी लेप कर दिया जाता था, फिर उसके बाद पूरी तरफ से घोल उसको बंद करके नीचे तरफ उसमें एक होल किया जाता था, फिर उसको सूखने दिया जाता, बाद में गर्म करके उस मेल्ट करके मोम को बाहर निकाल दिया जाता था, फिर पिघला करके उसमें ब्रॉन्ज को डाला जाता था, फिर जब वो सूख जाता मतलब उसको ठंडा होने देते थे, फिर मिट्टी को तोड़ देते थे। इस तरह की भी टेक्निक इनके पास डेवलप हो चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री के तौर पर ये डेवलप स्थिति में आ चुके थे। वो आप इस कल्चर को भी ये देखें तो भी यहां से लिंक कर सकते हैं कि इनकी इंडस्ट्री डेवलप थी। दूसरी चीज हमने ये भी कहा कि ब्रिक्स इसमें हर तरह के यूज किए जाते थे। कच्ची भी ईंट यूज करने को मिलते हैं, पकी हुई ईंट भी यूज करने को मिली है, एल शेप की भी ईंट इनको यूज करते हुए आपने देखा है। हमने बताया था कि एल टाइप की भी ये ईंट को यूज करते थे, और वो भी ज्यादातर कहां पर, जहां कॉर्नर्स बनाने होते थे, पिलर्स वगैरह बनाने होते थे, नालियां बनानी होती थी, वहां पर इन्होंने एल टाइप की भी जो है ब्रिक यूज की है। और ब्रिक्स इस तरह की बनी हुई देखने को मिली है कि प्रॉपर उसकी डायमेंशन आपको मिलती है, 1:2:3 के 1:2:4 के रेशियो में आपको ब्रिक मिलती है। यदि इस तरह की एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ हमें ब्रिक मिल जाती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक इंडस्ट्री प्रॉपर तौर पर डेवलप हो चुकी रही होगी। और जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी, उसी समय हमने कहा था कि चार्ल्स मैसन जा रहे थे और उन्होंने वहां पर ईंटों का ढेर देखा था, इस तरह से हमने डिस्कस किया था जो, और उस ढेर के बेस पर भी हमने कहा था कि वो कहां मिला था, उनको हड़प्पा में देखने को मिला था। और ये चार्ल्स मैसन को वो चीज दिखाया, और हड़प्पा में इतना बड़ा ढेर यदि ईंटों का मिला है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके मतलब ईंटों की इंडस्ट्री मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रही होगी। इसीलिए ब्रिक्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप कंडीशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता में दो ही साइट पर मानते हैं, या तो वो हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। उसके बाद बीड इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, मनको का उद्योग। मनकों के उद्योग के लिए दो साइट्स हमने बताई थी, लोथल और चनहुदड़ो। बैंगल्स इंडस्ट्री भी है, चूड़ियों के बारे में भी जो है कॉपर की और ब्रॉन्ज की दोनों तरह की मेटल की ये लोग यूज किया करते थे, जिसके लिए हम इंडस्ट्री चनहुदड़ो और कालीबंगा को मानते हैं। और इंडस्ट्री हाथी दांत की जो इंडस्ट्री की बात करें तो ये हमें दैमाबाद और लोथल में देखने को मिल जाती है। ये बेसिक तौर पर जो है इनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का देख सकते हैं, जो आगे की भी सिविलाइजेशन, इसीलिए जो हमने कहा था कि फर्स्ट टाउनशिप सिविलाइजेशन के तौर पर सबसे वेल डेवलप्ड जो है सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। फोर्थ पॉइंट इसमें हम आते हैं, वो क्या है, मेटल यूज बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। कितनी बार हम कह चुके कौन से, सोने के बारे में ये लोग परिचित था इन्हें, गोल्ड के बारे में जानकारी थी, सिल्वर के बारे में भी इनको जानकारी थी, कॉपर के बारे में भी इनको जानकारी थी, ब्रॉन्ज के बारे में भी था, टिन है, लेड है, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो यूज ये कॉपर का करते थे, इसीलिए इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र पाषाणकालिक सभ्यता भी नाम दे लेते हैं।
ब्रॉन्ज का भी यूज हुआ है, लेकिन मैक्सिमम यूज जो है ये कॉपर का दिख जाता है, इसलिए जो है इसको कॉपर के बेस पर भी कह लेते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसमें आते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का लिंक अप हम कैसे करेंगे, बस वही है जो हमें सीले देखने को मिल जाएंगे। सील्स लोथल में जैसे हमने सील पाई थी, सिलेंड्रिकल सील थी, जो है सिलेंड्रिकल सील जो बेलनाकार सीलें थी वो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रथा में कहीं पर प्रचलित नहीं थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो या तो सर्कुलर यूज करते थे या फिर रेक्टेंगुलर यूज करते थे या स्क्वायर शेप में करते थे। तो जब इस तरह की तीन तरह की सीलें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, सिलेंड्रिकल यहाँ की थी नहीं, और यदि यहाँ पर ऐसी मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं और की होगी। और उस समय की कंटेम्परेरी यदि सभ्यता में हम देखते हैं तो मेसोपोटामिया एक सभ्यता मिलती है जहां पर मैक्सिमम सील्स जो है वो सिलेंड्रिकल है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ रहा होगा। इसी तरह की सील लोथल में मिलने के साथ साथ चनहुदड़ो में भी हमें मिलती है सिलेंड्रिकल सील। ये सारी चीजें हमें लिंक्ड अप करती हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। एक चीज और भी कि इस समय लोथल में हमें एक सिकोतारा माता की देवी की मूर्ति भी देखने को मिलती है, वहां पर उससे संबंधित कुछ रखा गया है। सिकोतारा माता के तौर पर उसको माना जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिकोतारा माता लिंक्ड विद ओशन मदर गॉडेस, समुद्र की देवी के तौर पर उसको माना गया है। और सिकोतारा उस समय ईस्ट अफ्रीका का एक आइलैंड का नाम हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता था, उस आइलैंड का नाम जो है सिकोतारा था। इससे ये लगता है कि संभवतः जो है इनके फॉरेन ट्रेड वहां से भी रहे होंगे। उस तरह का यदि यहां पर एक देवी की मूर्ति मिल रही है तो इस तरह का कहीं ना कहीं जो है जरूर होगा। और उस सिकोतारा आइलैंड पर हमें एक ऐसा भी एविडेंस देखने को मिला है जो हाथी दांत का ऑर्नामेंट्स के तौर पर वहां मिलता है सिकोतारा आइलैंड पर, जिसको हम ये मान लेते हैं। और वो हाथी दांत कहीं ना कहीं लिंक्ड अप मिलता है लोथल की साइड से, इसलिए ये कहते हैं कि संभवतः लोथल के हाथी के दांत का यदि एविडेंस हमें सिकोतारा में मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ उस समय रहा होगा। ये चीज जो है इनके फॉरेन ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन ट्रेड में ये सारी चीजें होने के साथ साथ हमारे तीन एजेंडे इसमें कंप्लीट होते हैं, एक तो सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक, और चौथा और लास्ट हमने हमारा जो एजेंडा था वो था डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम कह लें कि एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिक्लाइन कहना ज्यादा बेटर होगा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर यदि हम देखें तो कई पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो हम फ्लड का भी ले सकते हैं। फ्लड, बाढ़, बाढ़ को क्यों हम लिंकअप करते हैं? बाढ़ को इसलिए हम लिंकअप करते हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अधिकांशतः साइट, फिर वही हम कहेंगे सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित, और ये नदियां ऐसी थी जो हर साल जो है बाढ़ से प्रभावित होती थी, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखा था, एग्रीकल्चर जब सिस्टम हम कह रहे थे उस समय भी हमने कहा। और ये हर साल जो है मलवा लाकर के उस पर जमा करते थे, और इस तरह का गाद जो है जमा करना, इवन मकानों के नीचे लगभग 30 फुट की डेप्थ तक जो है इस तरह का गाद जमा हुआ दिखता है हमें, जिससे हम ये मानते हैं कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है इस बाढ़ से त्रस्त आकर के एक समय इन्होंने यहां से जो है पलायन कर लिया होगा और वो चला गया, ये सभ्यता जो खत्म हो गई, वो यहां से मूव कर गए। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म में यदि हम कहें, आलोचना में बात करें कि यदि ऐसा होता तो ये सिविलाइजेशन इसी तरह की कहीं और तो दिखती, यदि वो यहां से माइग्रेट किए तो कहीं और जाकर के तो दिखते, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिंक अप आगे कहीं से भी नहीं मिलता, तो इसलिए हम ये कह लेते हैं कि संभवतः बाढ़ ही सिर्फ एक रीजन हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम आते हैं अर्थक्वेक, जो क्षेत्र है आपने यदि ज्योग्राफी का रीजन में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में देखा होगा, तो उस समय यह कहा जाता था कि इस रीजन में पहले टेथिस सी कभी हुआ करता था और उसके बाद शिवालिक नदी वगैरह रहती थी, उसका इरोजन हुआ और वो तट कट करके उसमें गए और वहां पर प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट होकर के वहां पर क्या हुआ,
डिस्टर्बेंस हुई और उसके बाद जो है हिमालय का निर्माण हुआ और ये सारी चीजें नदियां बनी। आज भी हम कहते हैं कि हिमालय राइज कर रहा है क्योंकि ये एक्टिव वोल्केनो के तौर पर उसमें जो है कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है सिस्मेटिक जोन के अंतर्गत काफी ये रीजन आता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र जितना भी था वो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आता था, संभवतः इस भूकंप के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन क्रिटिसिज्म में इसमें भी कहना चाहें, बस वही हम यहां पर भी कंक्लूजन में वही आएंगे कि एक कारण ये हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। ये मेंस के आंसर का जब आप फ्रेम आउट करेंगे तो वहां पर ये सारे रीजंस को आप लिखेंगे और लिखने के साथ साथ वहां पर ये कहेंगे कि ये सारे रीजन इसके लिए उत्तरदायी होंगे, किसी एक रीजन को हम पूरी तरह से इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो यहां पर क्रिटिसिज्म यदि करना होगा तो ये होगा कि अर्थक्वेक आने के बाद जो डिपोजिशन होना चाहिए, जो मलबा जो गिरेगा तो उसका जो है लेयर्स जो है वो अलग होंगे। आप जानते रहे कि इतिहास के लेखन में जब स्टडी की जाती है जो इरोजन खुदाई का काम होता है दो तरह से होती है, एक हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है, एक वर्टिकल इरोजन होता है। हॉरिजॉन्टल इरोजन में हमें क्या होता है कि एक ही टाइम में कैसा उनका सेटलमेंट था वो पता चलता है, वर्टिकल इरोजन में क्रोनोलॉजिकल उनमें किस तरह का चेंज आया था वो पता चलता है, और यदि अर्थक्वेक होता तो हमें वो स्टेज जो है उनकी दिखती कि यहाँ पर ऐसे 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 चेंज हुआ, वो चीज हमें नहीं दिखती। इसलिए हम कहते हैं कि एनवायरमेंट इको अर्थक्वेक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एक रीजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट रीजन हम कहते हैं एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण। पर्यावरण का ये कहा जा सकता है कि चूंकि सूखा वगैरह आते रहे, बाढ़ वगैरह भी होते रहे, इन सब चीजों से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है परेशान हुए होंगे और वो यहां से माइग्रेट कर गए होंगे। फोर्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, ये इकोनॉमिक्स में आप डिफिनीशन में भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में कहा ही जाता है कि आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग अर्थशास्त्र होता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने शायद समुचित उपयोग नहीं किया, ऑप्टिमम यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं किया। ऑप्टिमम ना होने के कारण बस इन्होंने आर्थिक संसाधनों का खूब जो है उसका दोहन करते रहे और एक समय इकोनॉमिक रिसोर्सेस सारे जो है खत्म हो गए, तो फिर इस सिविलाइजेशन के लोगों को यहां से मूव करना पड़ा, खासतौर पर इसके सपोर्टर रोमिला थापर। और सबसे लास्ट रीजन हम फॉरेन इन्वेडर को मानते हैं। काफी कुछ इतिहासकार इस विदेशी आक्रमणकारियों को इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख रीजन मानते हैं। कारण क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था और पहले भी हम कह चुके हैं, मोहनजोदारो साइट से 21 डेड बॉडी का एक साथ मिलना, सामूहिक नरसंहार मिलना, सामूहिक तौर पर उनकी डेड बॉडी एक साथ दफनाई जानी और उसमें जो है एक सर के ऊपर जो है तीर विधा हुआ मिलना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इस सभ्यता के ऊपर बाहरी कोई आक्रमण हुआ होगा। और ये बाहरी आक्रमण करेंगे भी तो कौन करेंगे? उसके बाद चूंकि आर्यंस आए थे तो इसके मतलब इसके जिम्मेदार आर्यंस होंगे। आर्यों को ही जिम्मेदार माना जाता है कि संभवतः आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने जो है इनका जो है सामूहिक नरसंहार किया और सामूहिक नरसंहार के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि 21 डेड बॉडी है तो इसलिए आर्य थे, या सिर्फ तीर विधा हुआ है तो इसलिए आर्य थे, आर्य जिम्मेदार हैं। सिर्फ यही दो रीजन नहीं है, इसके अलावा भी एक रीजन और भी रखा जाता है। आप यदि वैदिक एज में पढ़ते हैं तो उसमें एक देवता का नाम मिलता है जिसका नाम है इंद्र। इंद्र को एक नाम दिया जाता है पुरंदर, और पुरंदर का मतलब होता है पुरों को तोड़ने वाला, और पुर कहते हैं किसको? किलों को या दुर्ग को। और अभी हमने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट्स ऐसी हैं जहां पर वेस्टर्न माउंट जो है वो फोर्टिफाई किया गया है, किले थे जो है, तो ये माना जाता है कि शायद इंद्र ही वही राजा रहा होगा, या हम आर्य जो है उसको देवता के तौर पर कह लेते हैं कि संभवतः इंद्र ही ऐसा रहा होगा जिसने इस सभ्यता पर अटैक किया, यहाँ के अधिकांशतः किलों को तोड़ा और इसी कारण से उसने उसकी टाइटल जो है वो पुरंदर के तौर पर है, इसलिए भी हम फॉरेन इन्वेडर में जो है आर्यंस को जिम्मेदार मानते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और भी हम कह सकते हैं, वो क्या है? वही घोड़ों के साक्ष्य, घोड़े का साक्ष्य। घोड़े के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग परिचित नहीं थे, आर्य लोग घोड़े से बखूबी परिचित थे जो, और आर्य लोगों के घोड़े से परिचित होना, द
धनुष बाण का उनका टूल्स के तौर पर, हथियार के तौर पर होना, और उस तरह का तीर मोहनजोदड़ो में डेड बॉडी में विधा हुआ मिलना, और घोड़े की अस्थियां सुरपोतड़ा में मिलना, ये सारे ऐसे एविडेंस हैं जो स्पष्ट तौर पर ये दिखा देते हैं कि संभवतः आर्य लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के प्रमुख कारण थे। और अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि बाहरी आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो छूटा हो, या ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं होगा जो क्या कहते हैं कि आप आंसर फ्रेम ना कर सकते। यदि आपने ये 5 सेशन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लगाए हैं, तो इससे रिलेटेड ना तो क्या कहते हैं कि आपका हिस्ट्री रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन छूटेगा, ना ही आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन छूटेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है इसके 110% जो है वो कंप्लीट होंगे, बशर्ते आपने मेरी क्लास के साथ बुक्स को भी प्रिफर किया हो, मेरी क्लास में कंसंट्रेट होकर के पढ़ा हो, तो जरूर जो है इस चीज का फायदा मिलेगा।